विश्व जनसंख्या दिवस पर आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन से उत्पन्न संशोधन सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट की स्थिति को रोकने हेतु जनसंख्या समाधान अधिनियम संसद से पारित करके लागू कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुपौल जिलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा गया। फाउंडेशन के द्वारा 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या से असंतुलन और विकास की गति धीमी हो गई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय और कानून लाना चाहिए ताकि बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। साथ ही यह कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लागू हो, इसके लिए देश भर में आज जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम में नाम ज्ञापन सौंपा गया है। संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट, बीएनपी न्यूज सुपौल। मांग था डीएम साहब से, बढ़ती जनसंख्या, जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि देश में हो रहा है, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इसी सारी समस्याओं को लेकर कि जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मांग रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब पूरे देश में एक समान लागू किया जाए।